हमने कई बार ये पढ़ा और सुना है कि जब जब भी टीसीपी के थ्रू आप जो डेटा है एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो जो क्लाइंट है और सर्वर है या फिर सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है उसे हम कहते हैं टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। अब जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा थ्रू टीसीपी थ्री वे हैंडशेक, उसके बाद डेटा ट्रांसफर शुरू होगा। जब डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, जो सेंडर है वो रिसीवर को सारा डेटा पहुंचा देगा और रिसीवर को पता चल जाएगा कि ठीक है, जो सारा डेटा है वो रिसीवर तक पहुंच चुका है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने अपना जो कनेक्शन है वो क्लोज करना होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दोनों पार्टीज हैं सेंडर और रिसीवर टीसीपी के अंदर, ये दोनों पार्टीज अपने पास कुछ रिसोर्सेज उस कनेक्शन के लिए रिजर्व रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ बफर, वो जो बफर स्पेस है, कुछ वेरिएबल्स हैं एक्नॉलेजमेंट एक्ट नंबर के लिए, सीक्वेंस नंबर के लिए, जो वो रिसीव विंडो है उसके लिए। तो हर जो दो पार्टीज हैं टीसीपी कनेक्शन के अंदर, डेफिनेटली वो कुछ अपने रिसोर्सेज उस एक कनेक्शन के लिए ऑक्यूपाई करती हैं। अगर से आप एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम ये सोचें कि अगर हम बात करें सर्वर की, अगर सर्वर के पास सर्वर के साथ एट द सेम टाइम 1000 क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब है सर्वर ने उन 1000 क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट बफर एलोकेट की होगी। तो ये 1000 की मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है, वरना तो जो जो हैवी लोड सर्वर मशीन्स हैं वो इससे ज़्यादा जो टीसीपी कनेक्शन है एट द सेम टाइम उनको एंटरटेन करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं। तो इसलिए जब भी कोई कनेक्शन का जो पर्पज़ है टीसीपी कनेक्शन का, डेटा ट्रांसफर का, जब डेटा ट्रांसफर हो जाए उसका पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाए, तब उसके बाद जो कनेक्शन है उसको क्लोज करना पड़ता है, ताकि जो दोनों पार्टीज क्लाइंट और सर्वर के सब क्लाइंट और सर्वर ने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं उस कनेक्शन के लिए, वो रिसोर्सेज फ्री हों, ताकि जो सर्वर है वो किसी और नेक्स्ट क्लाइंट को एंटरटेन कर सके। अब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में और जब कनेक्शन क्लोज करना हो, तो उसके अंदर टीसीपी के अंदर हमने देखे हैं कुछ फ्लैग्स हैं, जो फिन, सिन, रीसेट, पुश, अर्जेंट, ये कुछ फ्लैग्स हैं, 1 बिट के फ्लैग्स हैं। आई मीन 1 बिट है, अदर ये 1 होगा या फिर 0 होगा, क्योंकि 1 बिट है इसलिए। तो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन क्लोजर के वक्त पे जो ये 3 फ्लैग्स हैं ना, फिन फिन मीन्स फिनिश, सिन मीन्स सिंक्रोनाइज और एक मीन्स एक्नॉलेजमेंट, तो ये 3 फ्लैग हैं टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टियर डाउन के वक्त। ये तीनों फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी हम देखते हैं कि जब टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है, या पिलट से उसके बाद हम देखेंगे कि जब टीसीपी कनेक्शन क्लोज होगा, तब ये जो तीनों फ्लैग्स हैं ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं। जब हमने टीसीपी स्टार्ट किया था, तो तब हमने एक बड़ा सिंपलीफाइड वर्जन देखा था टीसीपी थ्री वे हैंडशेक का, और मैंने आपसे कहा था कि हम जब आगे जाएंगे तो तब मैं आपको जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक है इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और अभी वो टाइम आ गया कि जब हम टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को इन डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे जब क्लाइंट और सर्वर आपस में टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो वो किस तरह करते हैं, कौन कौन से जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ आप माइंड में रखें कि जो सर्वर है ना, सर्वर की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो हमेशा कनेक्शंस का, क्लाइंट्स की तरफ से कनेक्शंस का वेट कर रहा होता है। उसे हम बोलते हैं सर्वर इज ऑलवेज लिसनिंग फॉर कनेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स। तो जो सर्वर है वो हमेशा लिसन कर रहा होता है कनेक्शंस के लिए, लेकिन जो क्लाइंट है, क्लाइंट की मर्जी है कि जब मर्जी वो कनेक्शन कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजे, जब मर्जी जो कनेक्शन है वो फिनिश कर दे। तो खैर, जो ये जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो स्टेट्स हैं, ये असल में क्या लें कि जो क्लाइंट और सर्वर की एक पॉसिबल जो फाइनल स्टेट मशीन है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं ये होंगी। जो असल चीज़ आएगी वो इन दो जो मशीन लाइंस के बीच में वो आएगी। मैंने यहाँ पे जो टीसीपी का जो फॉर्मेट है सेगमेंट का, वो भी नाम लिख दिया ताकि आप लोगों को वो याद करने में आसानी रहे कि जो सिन सिन फ्लैग है और एक फ्लैग है वो किधर है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो जो क्लाइंट है वो एक सिन सेगमेंट भेजेगा सर्वर की तरफ,
अब उस सिन सेगमेंट में क्या होगा, उस सिन सेगमेंट के अंदर जस्ट जो वो सिन फ्लैग है ना, ये वाला जहाँ पे ये मैं लेजर पॉइंटर कर रहा हूँ, पॉइंट SYN जो सिन फ्लैग है, सिर्फ ये बिट वन होगी, बाकी जो बाकी जितनी भी बिट्स हैं फ्लैग्स के अंदर वो सारी जीरो होंगी। सिन फ्लैग रीसेट पुश एक अर्जेंट, ये सारी जो बिट्स हैं फ्लैग्स हैं ये सारे जीरो होंगे, जस्ट जो सिन फ्लैग है वो वन होगा। अब उसके साथ साथ जो क्लाइंट है वो अपने पास से एक सीक्वेंस नंबर चूज करके अपने पास से रैंडमली लेट्स से एक्स, तो सीक्वेंस नंबर को एक्स कर देगा और जो सिन बिट है वो वन होगी। अब ऐसी सेगमेंट जिसके अंदर सिन बिट वन हो उसको हम कहेंगे सिन सेगमेंट, SYN सिन SEGMENT सिन सेगमेंट। अब जब ये सेगमेंट क्लाइंट भेज देगा तो अब उसकी जो स्टेट है वो है सिन सेंट, कि उसने क्लाइंट ने सिन सेगमेंट सेंड कर दिया। अब जब ये जो सिन सेगमेंट है ये क्लाइंट के पास पहुंचेगी तो अब क्लाइंट ने ये देखना है कि क्या उस क्लाइंट, अब ये इसको क्लाइंट को सॉरी सर्वर को ये पता चलेगा यहाँ से कि सर्वर ये क्लाइंट है जिसने सिन सेगमेंट सेंड की है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। अब अगर तो सर्वर के पास सफिशियंट रिसोर्सेज हुए, मिसाल के तौर पर जो बफर स्पेस है जो ये एलोकेट करेगा TCP के लिए, फिर वो जो वेरिएबल्स एंड डिफरेंट सीक्वेंस नंबर और एक नंबर उनकी जो लेट्स से वो जो दोनों 32 बिट वेरिएबल्स हैं चार चार बाइट्स के, तो उन वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए अगर उस पर मेमोरी है, तो अगर तो इसके पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि एक और कनेक्शन को ये हैंडल कर सके तो ठीक है गुड। क्या करेगा वो सिन प्लस एक सेगमेंट के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। अब जब ये बिट जाएगी ना, जब ये जो सेगमेंट जाएगी ये वाली जिसके अंदर सिन बिट वन है और एक बिट वन है, उसके अंदर जो ये सिन फ्लैग है ये भी वन होगा और एक फ्लैग वो भी वन होगा। अब सिन प्लस एक, अब जो एक है एक असल में ये एक्नॉलेज करता है सर्वर है कि उसने क्लाइंट की ये जो सिन सेगमेंट थी ये रिसीव कर ली थी, इसलिए एक बिट वन है। अब सिन बिट वन इसलिए है कि जो सर्वर है वो भी कह रहा है कि ठीक है आई एम रेडी फॉर द कनेक्शन। ओके सो अब देखिए इसके अंदर जो सिन बिट है और एक बिट, एक और सिन दोनों वन होंगी, दोनों सेट होंगी इस सिन एक सेगमेंट के अंदर। अब जो सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर वो जो सर्वर अपने पास ही कोई रैंडमली चूज करेगा और सीक्वेंस नंबर पुट कर देगा, और जो एक नंबर होगा, एक नंबर वो जो सिन सेगमेंट का एक्स था, सीक्वेंस नंबर था ना, उसके अंदर एक वन करके वो उसका एक नंबर ब्लॉक भेज देगा सर्वर है। अब जब क्लाइंट के पास ये सिन प्लस एक सेगमेंट पहुंचेगी तो अब क्लाइंट को यहाँ पता चल गया कि ठीक है मैंने जो कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी थी इसको इसका जो रिस्पॉन्स है वो मिल गया क्लाइंट को सर्वर की तरफ से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो जो सर्वर जो क्लाइंट है वो सिन एक सेगमेंट को रिसीव करेगा, जिसका मतलब है जब उसको एक मिलेगी उसका मतलब है जो सर्वर है वो लाइव है और वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए विलिंग भी है, क्योंकि उसने एक सेंड की है, क्योंकि उसने सिन बिट सेंड की है क्लाइंट को। अब जब क्लाइंट के पास ये पहुंचेगा सिन प्लस एक सेगमेंट, तो वो क्या करेगा, वो जो उसको क्लाइंट की तरफ से सिन मिली है ना सिन सेगमेंट, वो उसके लिए अब उसने एक भेजनी है। अब जब ये थर्ड मैसेज थर्ड सेगमेंट जाएगी ना क्लाइंट से सर्वर की तरफ इस कनेक्शन की, अब उस सेगमेंट के अंदर जो सिन फ्लैग है वो जीरो होगा, लेकिन हाँ जो एक फ्लैग है वो वन होगा। अब सिन फ्लैग जीरो क्यों होगा, क्योंकि जो क्लाइंट है वो सबसे पहले ये जो सेगमेंट थी उसके अंदर सिन फ्लैग को वन करके भेज चुका था। अब उसने सिन फ्लैग वन करके भेजा था, फिर सर्वर ने भी सिन फ्लैग को वन कर दिया, रिस्पॉन्ड किया, तो अब इसका मतलब दोनों जो पार्टीज हैं वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हैं। अब क्या होगा, जो क्लाइंट है अब वो एक बिट को भेजेगा, एक सेगमेंट भेजेगा और उसका डेफिनेटली जो एक नंबर है वो जो इस सेगमेंट का वाई सीक्वेंस नंबर था वो प्लस वन होगा। अब जब जो क्लाइंट है जब ये एक सेगमेंट भेजेगा सर्वर को, साथ ही जो क्लाइंट है उस साइड के ऊपर जो TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जब ये जो एक सेगमेंट है जब सर्वर के पास पहुंचेगी तो अब उसको अपने ये जो सेगमेंट सेंड की थी विद सीक्वेंस नंबर Y, उसके अगेंस्ट उसको एक रिसीव हुई,
तो उसका मतलब है कि जो क्लाइंट है वो भी अलाइव है और वो एंडोर्स कर रहा है कि ठीक है वी गो विद दिस कनेक्शन। तो अब जब ये सेगमेंट एक सेगमेंट सर्वर को रिसीव होगी तो सर्वर साइड पे भी जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, सर्वर के पास जब सर्वर ने फर्स्ट सिन सेगमेंट रिसीव किया क्लाइंट क्लाइंट से, सर्वर ने तब ही अपने जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बफर है, जो सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर की वेरिएबल्स हैं और कुछ और वेरिएबल्स हैं, उनके लिए सर्वर ने तब ही रिसोर्सेज मेमोरी या बफर एलोकेट कर दी थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा है इस थ्री वे हैंडशेक से, वो ये है कि टीसीपी थ्री वे हैंडशेक को हम लोग, आई मीन नॉट हम लोग, जो हैकर्स हैं वो इसको एक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो एस्टैब्लिश वो डिनाइल ऑफ सर्विस से डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से जो क्लाइंट है उस, आई मीन जो हैकर है, उसने काफी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी मदद से उसने जो सिम सेगमेंट्स वो भेजी, लेट्स से हजारों मिलियंस क्लाइंट्स ने जो मिलियन लाखों करोड़ों जो सिम सेगमेंट्स भेजी, अब जो सर्वर ने उन सब क्लाइंट्स की जो सिम सेगमेंट है उनके अगेंस्ट उसने अपने जो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए और फिर उनको वापस सिन प्लस एक सेगमेंट भेज दी। अब अगर तो वो जो आईपी एड्रेस था उस क्लाइंट, उन मिलियंस ऑफ सेगमेंट्स सिन सेगमेंट्स का, वो फेक था, तो इसका मतलब है कि जो ये सिन प्लस एक सेगमेंट सर्वर भेजेगा वो किसी को भी रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि वो जो सोर्स आईपी एड्रेसेस थे वो सिन सेगमेंट्स के, वो सारे सारे फेक थे, फोर्ज्ड थे। इसलिए ये जो सिन प्लस एक सेगमेंट है ये कभी भी जो वो डेस्टिनेशन है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब जो सर्वर है उसकी जितनी भी रिसोर्सेज है, मेमोरी है, बफर है, वो सारे ऑक्यूपाई किए हुए हैं उन मिलियंस ऑफ जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है उन्होंने। तो क्या होगा, अब इस टाइम पे आके जो सर्वर है वो जैम हो जाएगा। वो अगर उसको कोई, अगर उसके सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो चुके हैं और उसको नई रिक्वेस्ट आती है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं सिन फ्लड अटैक या सिन स्पूफिंग भी कहते हैं, सिन फ्लड या सिन स्पूफिंग भी कहते हैं इसे। जो मैंने आपको कहा ना कि जब वो जो उसका आईपी एड्रेस है पैकेट का, सेगमेंट का, सिन सेगमेंट का, वो फेक आईपी एड्रेस होगा, तो सिन स्पूफिंग कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो टीसीपी कनेक्शन है वो जब एक एस्टेब्लिश हो गया, डेटा ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद टीसीपी कनेक्शन क्लोज किस तरह होगा। अब पहली बात ये देख लें कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक है वो हमेशा स्टार्ट होगा क्लाइंट की तरफ से। सही, जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा क्लाइंट स्टार्ट करेगा, लेकिन जो कनेक्शन क्लोजिंग है वो क्लाइंट या सर्वर दोनों में से कोई भी पार्टी स्टार्ट कर सकती है कनेक्शन क्लोजर। तो क्या होगा, जब भी कोई दोनों पार्टीज में से, क्लाइंट या सर्वर दोनों में से कोई भी कनेक्शन क्लोज करना चाहेगा, तो क्या करेगा, वो टीसीपी सेगमेंट भेजेगा जिसके अंदर वो जो फिन फ्लैग है, फिनिश फ्लैग, वो वन होगा, वो सेट होगा। अब जब एक पार्टी ने, क्लाइंट ने, लेट्स से लेट्स सी क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल सर्वर को एक टीसीपी सेगमेंट भेजी जिसके अंदर जो फिन फ्लैग है वो वन था, तो जब वो जो कह लें कि फिन स्लैश लेट्स से फिन सेगमेंट है, वो फिन सेगमेंट सर्वर के पास पहुंचेगी, जो सर्वर समझ जाएगा जो क्लाइंट है वो कनेक्शन फिनिश करना चाह रहा है, कनेक्शन क्लोज करना चाह रहा है। तो क्या होगा, जो वो सर्वर है वो फिर उस जो फिन सेगमेंट आई है उसको रिस्पॉन्ड करेगा विद एक्नॉलेजमेंट विद एक। अब वो एक भेजेगा, फिर उसके बाद जो सर्वर है वो भी एक फिन सेगमेंट भेजेगा टूवर्ड्स क्लाइंट। तो जब क्लाइंट को जब वो फिन सेगमेंट पहुंचेगी तो क्लाइंट भी फिर उस फिन सेगमेंट के अगेंस्ट एक एक भेजेगा। लेट्स सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे मैंने वो जो टीसीपी जो सेगमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, हेडर वो दिया हुआ है।
लेट्स सी कि आप चेक करें जो क्लाइंट और सर्वर दोनों के पास जो कनेक्शन है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, टीसीपी कनेक्शन। अब इन्होंने कनेक्शन क्लोज करना है, तो क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि जो टीसीपी क्लाइंट है उसकी तरफ से कनेक्शन टियर डाउन या क्लोजिंग की जो रिक्वेस्ट है वो पहले इनिशिएट होगी। तो क्या होगा, जो क्लाइंट है वो एक सेगमेंट भेजेगा टीसीपी सेगमेंट, जिसके अंदर ये जो फिन फ्लैग है ना, एफआईएन फिन फ्लैग, ये वन होगा। कीप इन माइंड है कि जब भी आई मीन नॉर्मल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर जब क्लाइंट सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तब ये फिन फ्लैग हमेशा जीरो होगा। जब भी क्लाइंट या सर्वर दोनों में से किसी एक को दूसरी पार्टी से ऐसी सेगमेंट रिसीव हो जिसके अंदर जो फिन फ्लैग है वो वन हो, तो वो समझ जाएगा, वो ये अज्यूम करेगा कि दूसरी पार्टी है वो कनेक्शन फिनिश करना चाह रही है, क्लोज करना चाह रही है, इसलिए ये कनेक्शन क्लोज करते हुए ये जो फ्लैग है यूज होगा। द क्लाइंट सेंड कर दिया फिन बिट, जो फिन फ्लैग है उसको सेट कर दिया, वन करके भेज दिया सर्वर को। अब जब क्लाइंट ने ये फिन सेगमेंट भेज दी सर्वर को, उसके बाद जो क्लाइंट है वो डेटा सेंड नहीं कर सकता। हाँ, वो सर्वर से डेटा रिसीव कर सकता है, मैं कह रहा हूं डेटा सेंड नहीं कर सकता। डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्नॉलेजमेंट। अभी हम देखेंगे आगे जाके नेक्स्ट इसी स्लाइड के एंड पे कि जो क्लाइंट है वो एक्स सेंड करेगा सर्वर को। अब जब क्लाइंट, जब सर्वर ये जो फिन सेगमेंट है इसको रिसीव करेगा, तो उसके अगेंस्ट जब सर्वर ने उसको एक भी भेजनी है क्लाइंट को, तो उसके अगेंस्ट वो जो एक भेजेगा उस एक के अंदर ये जो एक बिट है ये सेट होगी, लेकिन ये जो फिन, सॉरी एक बिट सेट होगी, जो फिन बिट है ये जीरो होगी इसके अंदर। अब इसके बाद जब जो क्लाइंट है वो अपनी फिन सेगमेंट के अगेंस्ट एक रिसीव करेगा, अब वो वेट करेगा कि जो सर्वर है वो क्लाइंट को फिन सेगमेंट भेजे। तो अब क्या होगा, जो सर्वर है वो फिन सेगमेंट भेजेगा, ये सेगमेंट इसके अंदर ये जो फिन फ्लैग है ये वन होगा। अब जब सर्वर ने फिन फ्लैग फिन सेगमेंट भेज दी, उसके बाद सर्वर भी क्लाइंट को कोई डेटा नहीं भेज सकता। लेकिन हाँ, इससे पहले पहले, इस पॉइंट से पहले पहले, जब तक सर्वर ने फिन सेगमेंट सेंड नहीं की क्लाइंट को, जो सर्वर है वो क्लाइंट को डेटा सेंड कर सकता है। अब जब जो क्लाइंट है वो फिन सेगमेंट रिसीव करेगा सर्वर की तरफ से, तो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा विद एक्नॉलेजमेंट, एक से रिस्पॉन्ड करेगा। अब जब एक, ये जो एक सेगमेंट है जब ये जाएगी, तो उसके अंदर जो एक बिट है फ्लैग है ये सेट होगा, और जो फिन फ्लैग है ये जीरो होगा। अब जब सर्वर के पास ये एक पहुंच जाएगी, तो वो समझ जाएगा कि ठीक है, उसने जो सेगमेंट फिन सेगमेंट भेजी थी क्लाइंट को, क्लाइंट के पास वो फिन सेगमेंट पहुंच गई है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके म्यूचुअली कनेक्शन क्लोज हो गया क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरफ से। अब अगर ये जो एक है उसको पहुंच गया, तो अब ये जो क्लाइंट है ये एक सेगमेंट भेजने के बाद कुछ देर वेट करेगा, क्योंकि क्योंकि उसे वेट हो सकता है शायद रिश्ते में कहीं जो एक बिट है, जो एक सेगमेंट है, कहीं ड्रॉप हो जाए। अब अगर ये ड्रॉप होने के बजाय पहुंच गई सर्वर तक, तो ठीक है, सर्वर पे उस टाइम पे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर लेट्स से ड्रॉप हो गई, तो जो क्लाइंट है थोड़ी देर बाद खुद लेट्स से 30 सेकंड बाद या एक मिनट दो मिनट बाद वो खुद ही अपनी जो कनेक्शन है अपनी साइड से क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे चेक करें कि जब सर्वर ने क्लाइंट को इस एक बिट भेजी थी एक बिट, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये फिन सेगमेंट भेजी, सर्वर इन दोनों एक सेगमेंट और फिन सेगमेंट को एक ही सेगमेंट में भेज सकता है। लेकिन इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जब ये लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि जो ये नहीं है, ये एक ही लेट्स से है, ये फिन है और एक है, और फिर ये एक जो ये भी नहीं है। अब इन दैट केस अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सर्वर है वो एक बिट और फिन बिट दोनों सेट करके भेजेगा, लेट से एक या फिन दोनों सेगमेंट से एक सेगमेंट में भेजेगा, तो इन दैट केस ये जो फिन बिट है और एक बिट है इस एक सेगमेंट के अंदर दोनों सेट होंगी। तो जब ये जब क्लाइंट को ये एक टीसीपी सेगमेंट पहुंचेगी जिसके अंदर एक और फिन दोनों बिट्स सेट है वन है,
तो क्लाइंट समझ जाएगा कि जो एक्नॉलेजमेंट उसको आई है वो उसको उसके फिन सेगमेंट के अगेंस्ट आई है, और साथ ही सर्वर ने उसको अपने जो फिन सेगमेंट उसने यहाँ भेजनी थी वो भी सर्वर ने उसको साथ उसके अंदर भेज दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये आप समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो जब हम स्काइप पे ऑनलाइन तब आप लोग पूछ लीजिएगा।